मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया से 103 दिन बाद मुलाकात की। सीमा मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी से जूझ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को पत्नी से मिलने के लिए 7 घंटे की जमानत दी थी। मुलाकात के बाद सीमा ने आरोप लगाया कि 7 घंटे की मुलाकात के दौरान पुलिस उनके बेडरूम के दरवाजे पर बैठी रही। पुलिस उन्हें लगातार देख रही थी और उनकी हर बात सुन रही थी। सीमा ने फेसबुक पर एक नोट शेयर कर कहा कि शायद इसलिए कहते हैं कि राजनीति गंदी है। मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। सीमा ने नोट में लिखा कि आम आदमी पार्टी के बनने के समय बहुत सारे शुभचिंतकों ने कहा था कि राजनीति के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ पहले से बैठे लोग काम नहीं करने देंगे, फैमिली को अलग परेशान करेंगे, लेकिन मनीष की जिद थी। उन्होंने अरविंद जी और अन्य लोगों के साथ पार्टी बनाई और काम भी करके दिखाया। इसकी राजनीति ने बड़े बड़े लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के मुद्दे पर बात करने पर मजबूर कर दिया। सीमा ने लिखा, मनीष 103 दिन से फर्श पर दरी बिछाकर सो रहे हैं। मच्छर, कीड़े और गर्मी की परवाह किए बिना आज भी उनकी आंखों में शिक्षा के जरिए देश को खड़ा करने का सपना है। उन्होंने पिछले 3 महीने में दुनिया का शिक्षा का इतिहास पढ़ डाला। किस देश के नेता ने शिक्षा पर जिद करके काम किया और वो देश आज कहां से कहां पहुंच गया? भारत की शिक्षा में क्या अच्छा हुआ और क्या कमी रही? आज की हमारी मुलाकात में मेरी तबीयत के साथ साथ ये भी बातें हुई। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।